दी सोशल डिलेमा, ये 2020 की नई अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे ठीक यूएस इलेक्शन से पहले 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। मैंने कल रात को इस फिल्म को देखा क्योंकि जब मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया तो ट्रेंडिंग पर सबसे एक नंबर पर थी ये फिल्म। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई नेटफ्लिक्स पर कोई ऐसी चीज़ ट्रेंडिंग नंबर वन पर है जो कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, कोई एरोटिक कंटेंट नहीं है, ऐसा कंटेंट नेटफ्लिक्स पर एक नंबर पर है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो मैंने कौतूहलवश, उत्सुकतावश फिल्म को देखा कि भाई क्या है ये। तो ये फिल्म बाहर से अपने आप को बड़ा अनबायस दिखाती है, सामने ये सब्जेक्ट रखा है कि भाई हम सोशल मीडिया के दुष्परिणाम बताने वाले हैं, और शुरुआत भी वैसी ही करती है ये फिल्म। शुरुआत में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती है कि भाई युवा पीढ़ी कैसे डिप्रेशन में जा रही है, एंग्जाइटी उसे हो रही है, कैसे सुसाइड कर रही है सोशल मीडिया के कारण वगैरह वगैरह, सब अच्छी अच्छी बातें करके फिर सेकंड हाफ में ऑब्वियसली अपने प्रोपेगेंडा पर ये फिल्म आ जाती है। हालांकि सेकंड हाफ के बाद भी ये अपने आप को बड़ा अनबायस दिखाती है कि भाई हम तो डेमोक्रेट्स के बारे में भी बता रहे हैं, रिपब्लिकन के बारे में भी बता रहे हैं, लेफ्ट के बारे में भी बता रहे हैं, राइट के बारे में भी बता रहे हैं। तो जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे कुछ युवा, कुछ बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पर ये फिल्म क्लियरली अपने एक प्रोपेगेंडा को हमारे सामने रखती है। और जिस कंक्लूजन पर ये फिल्म पहुंचती है ना, वो कंक्लूजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हज़ार गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब कैसे प्रॉब्लमेटिक है, क्या नहीं, क्या क्या कहती है ये, इसकी कहानी क्या है, क्या नहीं, वो सब कुछ मैंने हमारे फुल रिव्यू में बताया हुआ है। तो वो फुल रिव्यू हमारे प्रतीक्स फिल्म थियरीज चैनल पर है, वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। मैंने पूरा डिटेल में क्या सच में इस फिल्म को दुष्परिणामों की चिंता है या कुछ और ही हमारे दिमाग में ये फिल्म डालना चाहती है, पूरा डिटेल में विस्तार में मैंने बात की, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, प्लीज़ आप ज़रूर देखना। अब टेक्निकली देखें तो ये फिल्म वेल मेड है, जो होनी थी, चाहे लाइटिंग हो या इस सब्जेक्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करने का जो तरीका है, एक 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 विषय को ये लेते जाते हैं और एंडिंग में अपने प्रोपेगेंडा पर आते हैं, तो एक वेल मेड प्रोपेगेंडा फिल्म हम इसको कह सकते हैं, जो छोटे बच्चों को या जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये करने के लिए, यानी इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये फिल्म जो आज की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके कंधों पर अपनी बंदूक रखती है, और हमें उनकी कितनी चिंता है, हमें बच्चों की, युवा पीढ़ी की कितनी चिंता है, ये सामने दिखाकर उसकी आड़ में अपना प्रोपेगेंडा हमारे दिमाग में डालती है कि भाई विकिपीडिया कितना अनबायस्ड है, या सोशल मीडिया पर जो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं या वो कितना खतरनाक हो सकता है, बस दुनिया का अंत अब नज़दीक है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। सीरियसली इसी कंक्लूजन पर ये पहुंचती है। जिन प्रोटेस्ट का या जिस सोशल अनरेस्ट का या जिस सिविल वॉर का डर ये फिल्म हमें दिखाती है, उस सोशल अनरेस्ट के लिए जो लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उल्टा ये फिल्म उनको डिफेंड करती है, बस सामने सोशल मीडिया को रखकर। और ये बात इस फिल्म की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ये कैसे करती है, क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, उसके लिए प्लीज़ आप हमारा इस फिल्म का फुल रिव्यू ज़रूर देखिए। बाकी मैं ओवरऑल इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को दूंगा 4 out of 10 स्टार्स। बाकी पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, कोई सेक्स न्यूडिटी या ऐसे कोई गाली गलौच वगैरह या कोई वायलेंस वगैरह नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर उसके साथ में ही हमारा वो रिव्यू ज़रूर देखिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।